अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपने नाम सुना होगा, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है या कांग्रेस भी कहा जाता है, और यही पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है जो 1885 में बनी थी और आज तक इंडिया में कायम है। ठीक है, और मुस्लिम लीग की तरह इसका हशर नहीं हुआ। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी और 1950s में जो है वो उसके जो कहते हैं उसको वो टूटना शुरू हो गई थी, उसके धड़े बन गए थे, सेक्शंस बन गए थे, फैक्शंस बन गए थे बहुत सारे। तो इसी तरह जो है वो आज अगर मुस्लिम लीग को देखें पाकिस्तान में, तो मुस्लिम लीग के आपको जो है वो कई तादाद में, बड़ी तादाद में फैक्शंस मिलेंगे, धड़े मिलेंगे, कोई काफ है, कोई नून है, कोई जो है वो फे है, कोई कोई इंडिपेंडेंट है, तो कोई क्या है, तो बहुत सारे इसके जो आपको जो है इसके फैक्शंस मिलेंगे। हम डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैकग्राउंड के हवाले। बैकग्राउंड कुछ इस तरह है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जो बगावत हुई थी, उसके बाद हुआ ये कि कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। 1858 में कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था एक्ट ऑफ 1858 के तहत, और इंडिया को कॉलोनी बना दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, लेकिन ये हुआ कि उसको कॉलोनी तो बना दिया गया, वाइसराय का अपॉइंट हो गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इंडियंस के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही थी, एक कानून पास किए जा रहे थे जो इंडियंस को नुकसान पहुंचा रहे थे। मिसाल के तौर पे अब अंग्रेज़ों को ये सबसे बड़ा खौफ था कि ये दोबारा से कोई इस तरह की बगावत ना हो जाए, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, द आर्म्स एक्ट 1878 में ये एक पास हुआ था, लॉर्ड लिटन ने पास करवाया था, उस पर वाइसराय था। तो ये एक्ट पास हुआ था, इसमें ये था कि इंडियंस को जो है मना किया गया था कि वो अपने इवन सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है वो हथियार वगैरह रखें। ठीक है, क्योंकि ये खौफ था इनको, इन अंग्रेज़ों को, कि दोबारा से कोई बगावत ना हो जाए। इसी तरह फिर इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया था 1878 में। वर्निकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये था, जो वर्निकुलर कहते हैं लोकल, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं ना, लोकल प्रेस। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने क्या किया था, जो लोकल इंडियंस अखबारें थी जो हिंदी में पब्लिश होती थी, उर्दू में पब्लिश होती थी, तो उनमें जो है बैन लगा दिया कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कोई अखबार जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करेगी। तो मुख्तलिफ तरह से इंडियंस को जो है वो एक चेक में, एक क्या कहते हैं कि उनको अपनी नज़र में रखना चाहते थे ताकि वो अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। तो दैट इज़ वाई इंडियंस नीडेड अ पॉलिटिकल पार्टी, इंडियंस को एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। ठीक है, जो एक इंडियंस को एजुकेट कर सके, एजुकेशन की तरफ लेके आ सके, जो इंडियंस को यूनाइट कर सके, जो इंडियंस को एक नेशनल लेवल पे उनके अंदर एक नेशनलिज्म का जज्बा, एक कौमियत का जज्बा पैदा कर सके। ठीक है ना, तो इस तरह की जो है उनको पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी इंडियंस ने नहीं बनाई थी, बड़े मज़े की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडर था वो था अंग्रेज़, और अंग्रेज़ ये एलन एक्टवियन ह्यूम, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, अंग्रेज़ था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट यानी रिटायर्ड ऑफिसर था। ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर, ब्रिटिश इंडियन सर्विस का ऑफिसर था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं उनको मोटिवेट किया कि नेशनल लेवल पे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और वेयर यू शुड स्पीक विथ योर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट, आप अपने डिमांड्स जो है एक्सप्रेस कर सकें गवर्नमेंट्स को, या जो है वो
बेसिकली जो इसका मकसद है तो यही था कि इंडियंस को जो है वो इन्होंने ब्रिटिश सिविलाइजेशन और ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की तरफ लेके आना था, ठीक है ना। तो जाहिर है वो फिर एक सेकुलर सेटअप होना चाहिए, एक गैर मजहबी सेटअप होना चाहिए जिसमें मजहब की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो इस वजह से जो है वो इन्होंने अंग्रेजों ने ये काम किया था इस बंदे ने। तो इसने दूसरी बात दूसरा काम ये किया कि इसने ओपन लेटर है, खुला खत लिखा था अखबार में, ठीक है जी, इंडियंस को एक खुला खत लिखा था कि भाई अगर आप में से 50 इंडियंस मेरा साथ दें तो हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं जो इंडिया की फलाह के लिए काम करेगी, जो सेक्युलर होगी, ठीक है। लेकिन उसने फिर इंडियंस को टांट भी किया था, इंडियंस को ताने दिए थे कि आप इंडियंस जो हैं वो बड़े आराम पसंद हैं, जो हैं वो बड़ी लग्जरीज पसंद हैं, तो आपसे ये लग्जरीज जो हैं नहीं छूटी जाएंगी। बहरहाल ये 28 से 31 दिसंबर को सेशन होगा और इसी में जो ही इसी के दौरान जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुनियाद पड़ा और इसका फर्स्ट सेशन तकरीबन 72 इंडियंस ने अटेंड किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो एक सेकुलर नेचर दी गई, यानी मजहबी जमायत या कंजर्वेटिव जमायत के नाम पे इसको नहीं पोर्ट्रेट किया गया, बल्कि इसको एक सेकुलर जमायत के नाम से पोर्ट्रेट किया गया, गैर मजहबी जमात के नाम से, यानी मजहब का कोई इससे ताल्लुक नहीं होगा। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला बंदा इसका मेंबर बन सकता है। इसी तरह इसका जो पहला प्रेसिडेंट जो है वो उमेश चंद्रा बनर्जी बना था, उमेश चंद्रा बनर्जी पहला प्रेसिडेंट, और करंट जो प्रेसिडेंट है इसका सोनिया गांधी आप जानते होंगे, और ये अभी अपोजिशन में है इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये अपोजिशन में अभी बीजेपी रूल करे 2014 से। तो इसी तरह जो है वो हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स इसके 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो प्रमोट करने हैं। जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट उनको कहा जाता है जो कौम परस्त हो, ठीक है जी, कौमियत परस्त हो, जो मजहब और कास्ट और नस्ल और जो कलर इन चीज़ों से आला सोचे, ठीक है, और पूरी कौम के लिए सोचे, तो उसको कौम परस्त कहा जाता है। तो इसी तरह जो है वो इन कौम परस्तों को जो है वापस एक तरह एक एक प्लेटफॉर्म पे लाना था और जो उनमें एक 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 ही सोच पैदा करनी थी, दैट वाज द वेलफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, और स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी जो कौमी यकजहती है, इंटीग्रेशन है, उसको मजबूत करना था, ये भी एक मकसद था। फिर गवर्नमेंट को बताना था एक प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया के इश्यूज़ क्या, इंडियंस के इश्यूज़ क्या, इंडियंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। और इसी तरह जो नेशनल लिस्ट पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन यानी आम लोगों का जो ओपिनियन है वो उनको नेशनलिस्ट लेवल पे लेके आना था, यानी उनको कौम परस्ती के हिसाब से बनाना था कि भाई ऑल मस्ट थिंक एज इंडियंस, मुसलमान भी इंडियंस खुद को कहलाएं, हिंदू भी खुद को इंडियंस कहलाएं, दूसरे जो हैं डायलेट्स वगैरह सारे खुद को इंडियंस कहलाएं। तो ये चौथा ऑब्जेक्टिव। पांचवा था टू रिमूव रेशल रिलीजियस एंड कास्ट प्रेजुडिसेस। रेशल यानी नस्ली और मजहबी और उसके अलावा जो जो कास्ट के हवाले, जात पात के हवाले से जो एक डिफरेंस था, एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक इम्तियाज था, उसको ख़त्म करना था। अब हम थोड़ा प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं, आइंस की प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे। प्रोमिनेंट लीडर्स जो है ये आता है कभी कभी कि भाई ये बंदा जो है वो ज़्यादातर इनमें से कोई नाम आएगा, ये बंदा जो है वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो इनिशियल लीडर्स में था और ये जो है वो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट लीडर था, ठीक है, यानी बड़ी कंजर्वेटिव सोच रखता था और ये मुकम्मल आज़ादी की बात करता था, इंडियंस को भगा दो यहाँ, सॉरी अंग्रेजों को भगा दो। बाल गंगाधर तिलक ये भी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था और इसका एक्सट्रीमिस्ट जमातों के साथ ताल्लुक भी होता था, लाइक RRS जो थी, ठीक, या उससे पहले जो RRS का तो बाद में नहीं हुआ, उससे पहले जो इनकी कुछ एक्सट्रीमिस्ट जमातें थी उनके साथ इनका ताल्लुक था, शुदी वगैरह, ठीक है। तो
इसी तरह जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़ा मॉडरेट बंदा था, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहते हैं कि ही वॉज मेंटोर, मेंटोर यानी जो गाइड होता है, जो गाइड करता है, मेंटोर, ठीक है, ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जना का बड़ा दोस्त था, ठीक है, और मेंटोर था उसका, गाइड था सियासत में, सियासत में ये बेसिकली जना को लेके आया था। और दादा भाई नौरोजी भी जो है वो भी जना का बड़ा अच्छा दोस्त था। तो इसी तरह जो है वो सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी के पास वकालत जना ने जाके शुरू की थी, आप ध्यान में रखें। और फिर जो है सॉरी, ये भी मॉडरेट था, एस एन बैनर्जी, ये भी बंदा मॉडरेट बंदा था, ठीक है, अरबिंदो घोष, ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बंदा था, ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नजरियात रखता था, सवारकर, ये भी एक्सट्रीमिस्ट था, मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम जो है वो गांधी का है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये याद रख लें, यहाँ पूछा जाता है कि ठीक है, व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करता था, यानी जो है वो तशद्दुद की पॉलिसी नहीं फॉलो करता था, और गैर ताउन की पॉलिसी फॉलो करता था, यानी जो है वो कॉपरेशन नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस की पॉलिसी पर। मोहम्मद अली जना भी इसका प्रोमिनेंट मेंबर रहा है, लीडर रहा है, लीडर तो खैर कभी प्रेसिडेंट नहीं बना कांग्रेस का, लेकिन मेंबर रहा है, नेशनलिस्ट था, मॉडरेट था, जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर रहा है, चाहता था कि हिंदू और मुसलमान मिल के जो है वो इंडिया इंडिया को रूल करें, और जो है वो अंग्रेज़ों से जान छुड़ाएं। 1906 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और 1920 में इन्होंने कांग्रेस जो है वो छोड़ी थी, नागपुर के सेशन में, नागपुर, ये कभी कभी पूछा जाता है नागपुर किस सेशन में जो है वो जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी, नागपुर के सेशन, नागपुर एक शहर का नाम है। इसी तरह जो है वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू बाप बेटा दोनों जो है वो इस बड़े इसके मेंबर थे, ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रैग्मेटिस्ट था, यानी रियलिस्ट भी था, थोड़ा एडलिस्ट भी था, कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट हो जाता था, कभी कभी नॉन वायलेंट हो जाता था, तो कभी कभी जो है यानी मौके के हिसाब से चलता था, ठीक है। और पॉपुलर डिमांड्स जो है वो कांग्रेस की क्या रही हैं हमेशा जो है वो, स्पेशली 1920s में, 1910s में जो है वो स्वराज हमें जो है वो सेल्फ रूल चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हमें अपनी इंडियंस को क्या कहते हैं कि इंडियंस को ये हक दिया जाए कि इंडियंस इंडिया पे हुकूमत करें, बजाय इसके जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत करें, ठीक है। तो ये कांग्रेस के हवाले से बहुत ही शॉर्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आप याद कर लें, और मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू हैव ओपन एक्सेस टू मीडिया एंड इंटरनेट, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।